सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि वो देखें कि किस प्रकार कांग्रेस के शासन में अपने देश में अपने देशवासी कश्मीरी पंडितों के साथ वहां के रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का अन्याय अत्याचार किया गया, किस प्रकार उनको घरों से बेघर किया गया, उनके किस प्रकार उनकी बेइज्जती की गई और किस प्रकार उनके साथ अन्याय अत्याचार किए गए, उसकी हकीकत इस पिक्चर के अंदर दिखाई जा रही है। वो देखने के बाद कश्मीर की सही स्थिति क्या थी कांग्रेस के शासन में वो पता लगेगा। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी तो कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक को झंडा भी नहीं फहरा सकते थे भारत का तिरंगा, इस प्रकार आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया था, देशद्रोहियों के हवाले कर दिया गया था कश्मीर। लेकिन मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, जिन्होंने इन आतंकवादियों का सफाया किया कश्मीर से, 370 हटाई और आज कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा घर घर फहरा रहा है, चौक चौक पर फहरा रहा है और कश्मीरी लोगों को पुनः वहां बसाया गया है। अब भारत के लोग भी वहां जाकर रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, देशभक्तों का अब वहां सम्मान हो रहा है और देशद्रोहियों की वहां से निकासी हो गई है। सही मायने में कश्मीर अब सम्मान मिला है, कश्मीरियों को अब सम्मान मिला है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, आभार करता हूं।